LSMW कराना था। उस दिन डेफिनेशन वगैरह नोट कर ली थी। ओके लास्ट टाइम मैंने मटेरियल बना के दिखाया था, याद होगा। तो मैं मटेरियल से ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम जेड से डालना, जेड से डाल सकते हो या फिर सीधे नॉर्मल भी डाल सकते हो, ठीक है। सब प्रोजेक्ट नेम आएगा। हाँ जी, हाँ जी, ऑब्जेक्ट नेम होगा आपका फाइल नेम, जो फाइल अपलोड होगी वो किस नाम से होगी उसमें आप ऑब्जेक्ट नेम डाल सकते हो, ठीक है। और उसको नाम को आप जेड से दोगे, तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ। क्लिक ऑन क्रिएट एंट्री। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंटर करेंगे। नेक्स्ट सब प्रोजेक्ट, एंटर एंड ऑब्जेक्ट नेम फॉर फाइल। एंटर किया एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। आप लोग नोट कर रहे हो या फिर वीडियो से करोगे? ठीक है, टोटल स्टेप होते हैं आपके 17। देखिए LSMW में यूज होंगे 1 to 14 स्टेप, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 14 स्टेप शो होंगे जब आप बैक होके आओगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट स्टेप है मेंटेन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, डबल क्लिक करेंगे, डिस्प्ले चेंज एंड सिलेक्ट बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट ओवरव्यू, रिकॉर्डिंग ओवरव्यू, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग बनाओगे जैसे मटेरियल के लिए एंड उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग फॉर मटेरियल। एंटर किया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड डालेंगे जिसमें मटेरियल क्रिएट होता है MM01। एंटर, ये वाली स्क्रीन आएगी जिसपे हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर सिलेक्ट करोगे एंड मटेरियल टाइप, उसके बाद हम करेंगे एंटर। सिलेक्ट व्यूज, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने व्यूज आपको सिलेक्ट करने हैं एंड क्लिक ऑन एंटर। यहाँ पे आप कोई भी, जो भी आप मटेरियल बना रहे हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ भी बिस्किट्स, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी में ले लेते हैं। मटेरियल ग्रुप आ जाएगा 0001 एंड आपका ग्रॉस वेट, ठीक है, वेट यूनिट ग्राम और नेट वेट। ये आपका स्टैंडर्ड फील्ड है नॉन, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फिल होके आएगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सेव बटन। एक मटेरियल क्रिएट हुआ है 1633, ठीक है। एंड ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के फील्ड आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो फील्ड्स हैं जो हमने पीछे फिल किए, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, बी इज बेवरेजेस, कूपन था आपका,
उसका शॉर्टकट कोड होता है CoUP। ये कुछ स्टैंडर्ड फील्ड हैं जो डिफॉल्ट टैग्स हैं, ठीक है। बिस्किट्स हमारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन, यूनिट हो गई, मटेरियल ग्रुप हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड था जो भी फील्ड था, स्टैंडर्ड कैटेगरी आइटम। नॉर्म 1000 आपका था वेट और यूनिट एंड नेट वेट, ठीक है। यही फील्ड थे जो हमने फिल किए थे, ठीक है। क्लिक ऑन डिफॉल्ट ऑल। जैसे ही आप डिफॉल्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो इनका जो टेक्निकल नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा उन ऑरेंज कलर फील्ड में, ठीक है। MBRSH, MTAT, ISRAEL, और उसका डिस्क्रिप्शन भी सामने लिखा हुआ है, ये इंडस्ट्री सेक्टर है, मटेरियल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। इस डेटा को देखते हुए हम अपना एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है, नोटपैड के अंदर। सबसे पहले आपने बी लिया है तो यहाँ पे बी आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका CoUP ऊपर, नेक्स्ट डिफॉल्ट है आपका एक्स, तो एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से टैब देंगे, ये है आपका बिस्किट्स, तो यहाँ पे बिस्किट्स सी दे देता हूँ, ठीक है, बिस्किट्स टू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो सेम मटेरियल क्रिएट हो चुका है वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। केजी यूनिट आ गई आपकी 0001, मटेरियल ग्रुप, उसके बाद आएगा नॉर्म, स्टैंडर्ड फील्ड है ये आपका, एंड उसके बाद 1000 ग्रॉस वेट आपका, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ग्राम एंड नेट, ठीक है। इसके बीच में जो मैंने स्पेस यूज किया है वो मैंने वन टैब यूज किया है, ठीक है। इन दोनों को वन टैब से आप स्पेस दोगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना है इसमें। कॉपी किया, सपोज ये मेरे पास 10 मटेरियल है, ठीक है। इसी टाइप से आपको कंपनी में डेटा मिलेगा जो 1000, 10000 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब वो फाइल किसी में भी हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है आपकी या टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है। उसको आपको अपलोड करना है LSMW से SCP के, ठीक है। तो एक ये हमारे पास डमी डेटा है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ LSMW, ठीक है। नेक्स्ट सेव करके बैक जाएंगे एंड अगेन बैक, सिलेक्ट बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नेम डालेंगे हम, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग नेम डालने के लिए हम करेंगे इस बॉक्स पे क्लिक, जो रिसेंटली यूज हुआ है वही रिकॉर्डिंग नेम ये ले, इस पर क्लिक करने में, ठीक है। सेव इट एंड बैक, बाकी के सारे स्टेप यहाँ पे रिमूव हो गए 15, 16, 17, ठीक है। साइड में आपका डेट टाइम यूजर आ जाएगा, किस टाइम आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, ठीक है, किस डेट में किया है और किस सर्वर पे किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत है? सेकेंड स्टेप है आपका मेंटेन सोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे डिस्प्ले चेंज, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन,
पहले हमने एक मटेरियल बनाया, एक रिकॉर्डिंग क्रिएट की, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जेड इस टाइप से नाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते थे इंक्लूड स्ट्रक्चर, सेम उसी टाइप से एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक हम फोल्डर बना रहे हैं जिसके अंदर हम उसमें फाइल को रखेंगे। एंटर किया, सेव इट, ठीक है। जस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया है हमने, और कुछ नहीं करना है इस स्टेप, ठीक है। सेव करके इसको बैक कर देंगे, ये आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटेन सोर्स फील्ड, डबल क्लिक करेंगे, डिस्प्ले चेंज। अब जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब सिलेक्ट मतलब सिंगल क्लिक करेंगे उसके ऊपर एंड क्लिक ऑन टेबल मेंटेन, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें वो फील्ड डिफाइन करने हैं जो हमने पीछे डिफाइन किए, ठीक है। तो क्या क्या फील्ड हमने डिफाइन किया था पीछे, हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम साइड में एक नया टैब खोलेंगे, क्रिएट न्यू सेशन। सेम टी कोड में जाएंगे LSMW में, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, ऑब्जेक्ट ओवरव्यू, ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओवरव्यू आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हो, लिस्ट में भी जा सकते हो, टेबल में भी, ठीक है। सिलेक्ट टेबल, यहाँ पे टेबल नेम आ रहे, ठीक है। स्टार्टिंग के दो छोड़ के सारे आपको कॉपी करने, ठीक है। ऑल टैब प्रेस करोगे उसी स्क्रीन पे आ जाओगे, यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। टाइप के अंदर मैनुअली टाइप करेंगे हम सी, ये है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा इस फील्ड के अंदर स्टोर होगा, सी, सी फॉर कैरेक्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका लेंथ, लेंथ के लिए हम उसी स्क्रीन पे जाएंगे और यहां से हम लेंथ कॉपी करेंगे, ये आपकी लेंथ कॉपी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर करने पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे फील्ड फिल हो जाएंगे। अगर इन केस कोई भी फील्ड फिल नहीं होता है तो आपको ये दोबारा से फिल करना पड़ेगा, मतलब कहीं हमारी गलती है, ठीक है। सेव किया एंड बैक, अगेन सेव करेंगे और फिर से, ठीक है। ये था आपका थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ, मेंटेन स्ट्रक्चर रिलेशन, ठीक है। अब हमें जो फील्ड हमने सेलेक्ट किए हैं उसका और स्ट्रक्चर से हमें रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, डिस्प्ले चेंज, क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड क्लिक ऑन रिलेशनशिप, क्लिक ऑन क्रिएट रिलेशनशिप, एंटर किया एंड सेव, ठीक है। सिर्फ इस स्टेप में आपको इतना करना है, ठीक है। अगर ये एरो शो हो रहे हैं तो आपका रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रक्चर से बना हुआ है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, दोनों जॉइंट है इस सिंबल से। बैक किया, फर्स्ट स्टेप में हमने एक रिकॉर्डिंग क्रिएट की, एक मटेरियल बनाया, उसके बेस पर हमने डेटा क्रिएट किया और उसी के बेस में हमने एक फाइल बनाई। सेकेंड स्टेप में हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब एक फोल्डर क्रिएट किया जिसके अंदर हमें वो फील्ड डालने थे। थर्ड स्टेप में हमने वो फील्ड डाल दिए सारे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने रिकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर का रिलेशन बनाया। एंड नाउ फिफ्थ स्टेप, मेंटेन फील्ड मैपिंग एंड कन्वर्जन। अब एक एक फील्ड को हम फील्ड मैपिंग करेंगे कि किस
किस फील्ड का डेटा किस फील्ड में जाना चाहिए। डबल क्लिक करेंगे डिस्प्ले चेंज। अब यहाँ पे हम वन बाई वन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप MBRSH को सिलेक्ट करो, ठीक है। क्लिक ऑन सोर्स फील्ड, नाउ इसके अंदर क्या डेटा जाना चाहिए, MBRSH, तो सिलेक्ट करेंगे हम MBRSH। वन बाई वन सभी को करना है, सेकंड वाला, थर्ड वन, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, MANS, सिक्स, ये आपका हो गया सेवन, एट, एंटर। लास्ट दो बचे हैं नाइन, वेट यूनिट एंड आपका लास्ट टेंथ नेट। ये होती है फील्ड मैपिंग, सभी फील्डों की वन बाई वन फील्ड मैपिंग कर दी थी, किस फील्ड का डेटा किस फील्ड में रहना चाहिए, ठीक है। सेव करेंगे एंड बैक, ठीक है। सिक्स स्टेप को हम करते नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये LSMW का पार्ट नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। नाउ सेवन, ठीक है, स्पेसिफाई फाइल्स। अब हमारी जो मेन फाइल है वो अपलोड करनी है जो हमने डेस्कटॉप पे बनाई, ठीक है। डबल क्लिक किया डिस्प्ले चेंज, डबल क्लिक करेंगे लीगेसी डेटा, ठीक है। फाइल पिक करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप से फाइल उठाएंगे जो फाइल बनाई थी हमने LSMW, को पता है कौन सी फाइल थी, LSMWH, ये वाली फाइल, ठीक है। नाउ कोई भी नेम दे देते हैं इस फाइल का, टेस्टिंग। हमने जो फाइल बनाई थी इसमें जो स्पेस यूज़ किया था वो मैंने स्पेस यूज़ किया था टैब, तो टैब के लिए हम नीचे डिफाइन करेंगे डेलीमीटर के अंदर, ये आपका डेलीमीटर है, इसमें मैंने टैब यूज़ किया है तो टैब के लिए टैबुलेटर। अगर आप अपनी फाइल में कॉमा या ब्लैंक या सेमी कॉलन यूज़ करते हो तो वही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अदर डिफाइन करना है कोई तो अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे जो सिंबल आपको डिफाइन किया वो सेलेक्ट, ठीक है। नाउ एंटर, ये फाइल आपकी आ गई है। नाउ सेव इट, बैक करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एट्थ स्टेप, सेम डबल क्लिक डिस्प्ले चेंज एंड सेव इट। इस स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेव करके बैक कर देना। नेक्स्ट है आपका रीड डेटा, जो डेटा हमने अपलोड किया है उसको हम रीड करेंगे। डबल क्लिक किया एग्जीक्यूट, तो जो डेटा है वो हमारे 9 रिकॉर्ड थे टोटल, तो वो यहाँ पे रीड हो गए, ठीक है। ट्रांजेक्शन रीड इज 999, ठीक है। बैक किया, नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले रीड डेटा।
अब जो डेटा रीड हुआ है वो डिस्प्ले होगा। डबल क्लिक एंटर। ठीक है, ये आपका डेटा है 9 फील्ड का। किसी भी फील्ड पे क्लिक करके आप अपना डेटा चेक कर सकते हो, डेटा सही है या गलत। ठीक है, उस फील्ड में वो फील्ड फिल हुआ है जो फील्ड हमने डिफाइन किया था। ठीक है, इन केस कहीं आपकी फील्ड मैपिंग गलत हो जाती है तो किसी फील्ड का डेटा किसी और फील्ड में चला जाएगा और फिर डेटा में आगे जाके एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना एक बार। नाउ बैक। ठीक है, सिर्फ डेटा को चेक करना है और कुछ नहीं करना। बैक कर दिया। अब हमारा डेटा है वो अब कन्वर्ट होगा SAP PDF। ठीक है, तो सेम स्टेप रहेगा ये भी। डबल क्लिक एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड डिस्प्ले कन्वर्टेड डेटा। डबल क्लिक एंड। ये आपका कन्वर्ट होके जो डेटा है वो आया। ठीक है, अभी तक लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, लास्ट स्टेप पे जाके जब हम प्रोसेस करेंगे उसके बाद आपको ये डिस्प्ले होगा SAP के अंदर। बैक। नेक्स्ट है आपका क्रिएट बैच इनपुट सेशन 13। डबल क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन कीप बैच इनपुट फोल्डर एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एक फोल्डर जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर 9 ट्रांजेक्शन है हमारे जो क्रिएट। ठीक है, एंटर करोगे बाय डिफॉल्ट ये 14 स्टेप पे चला जाएगा। लास्ट स्टेप रन बैच इनपुट सेशन। डबल क्लिक किया। ये आपकी रिकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में नाम दिया था ऑब्जेक्ट नेम, उस नाम से यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्रिएट हो गया, सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, फोल्डर भी बोल सकते हो, एक फोल्डर है जो पास हुआ है सेशन के लिए। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 9 ट्रांजेक्शन है हमारे और उन 9 ट्रांजेक्शन का 27 स्क्रीन है। ठीक है, एक आपकी बेसिक डेटा वन वाली स्क्रीन जिसमें हमने बेसिक डेटा वन सिलेक्ट किया था, एक पे हमने इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप डाला था और एक पे हमने बेसिक डेटा वन की डिटेल डाली थी। टोटल हो गई 3 स्क्रीन। 3 को 9 से डिवाइड इनटू कर दो, टोटल हो जाएंगी आपकी 27 स्क्रीन। ठीक है, सेलेक्ट किया फाइल को, क्लिक ऑन प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग मोड होते हैं 3 टाइप के। प्रोसेस फॉरग्राउंड, एक होता है आपका डिस्प्ले एरर, इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें डिस्प्ले होंगी कि डेटा कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और आप मैन्युअली उसको क्लिक करोगे। सेकंड में सिर्फ डिस्प्ले शो होंगे और बैकग्राउंड में डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि डेटा करेक्ट है या अनकरेक्ट है। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड एंड क्लिक ऑन एक्सटेंडेड लॉग। अगर एक्सटेंडेड लॉग पर क्लिक नहीं करते हो तो आप मटेरियल नंबर नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा मटेरियल क्रिएट हुआ। एंटर। ठीक है, थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये देखो 9 ट्रांजेक्शन है, 9 के 9 यहाँ पे प्रोसेस हो गए। अगर एरर होता तो इसके अंदर आ जाता। ठीक है, कैसे पता करेंगे, इस पर डबल क्लिक किया, लॉग क्रिएटेड में जाएंगे। ये देखो 1633 पहले क्रिएट हुआ था, 1634, 35, 36, 37, ये सारे आपके MM01 में क्रिएट हुआ। लास्ट आपका क्रिएट हुआ है 1642। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए SE16 में जाओगे आप, यहाँ पे डालेंगे हम मारा, एंटर किया 1633 1642 और एग्जीक्यूट। तो ये वो डेटा है जो आज की डेट में क्रिएट हुआ। ठीक
ठीक है, कूपन, MBRSH, मेडिकल, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी फाइल को मैं अगर फिर से प्रोसेस करूँ, ठीक है, तो एरर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब तक उसमें आप कुछ डिटेल चेंज नहीं करोगे, जैसे ये हैं, तो वो वहाँ पे एरर शो करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है या कहीं से दोबारा बताना है तो पूछ लो। हेलो, बाकी सारे स्टेप क्लियर हैं? हाँ, वो तो मैम करना पड़ेगा। इसको पहले आप देख देख के नोट करना और फिर वन बाई वन फॉलो करना, ठीक है। बाकी आपको SAP से नॉन SAP में डेटा पता है कैसे करना है? बताया था मैंने। इसी डेटा को हम अगर बाहर बाहर लेके जाएं तो कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। आप यूज़ करोगे SE16N का, ठीक है। सेम डेटा जितना मटेरियल अभी हमने डाला था, 1633 and 1642, एग्जीक्यूट, एंड यहाँ से आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए ले सकते हो। जैसे मैं HTML दिखा देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक ये मैंने पहले भी दिखाया था। LSMW, तो ये आपकी फाइल आ जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में BDC करेंगे, ठीक है। ये वैसे हमारा पार्ट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। अबे पर इस पे काम नहीं करता है, वो BDC पे काम करता है, ठीक है। क्या हुआ मैम? जी, बाकी फिर भी कर लेना, रिज्यूमे मेंशन कर लेना, ठीक है।